आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर ओके okay. तो देखिए हमें पहले फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ बोट तो हम इसको एक्स सपोज कर देते हैं एक्स किलोमीटर पर आर ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक और फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई ट्वेल्व किलोमीटर पर आर ओके और सेकेंड स्टेटमेंट में हमें है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम सो यू की वैल्यू हो गई फोर किलोमीटर पर आर ओके अब इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ से स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मला होता है टाइम्स टाइम्स ऑफ ऑफ स्पीड स्पीड प्लस सो दिस इज फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट कंबाइन करके हम गिवन तो क्वेश्चन उसका आंसर कर सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इन अ टू एंड फ्रो जर्नी बिटवीन द टू पॉइंट द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट वॉज सिक्स किलोमीटर पर आर तो जो एवरेज स्पीड है वो हमें गिवेन है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू है सिक्स किलोमीटर पर आर एवरेज स्पीड का फॉर्मुला है हमारे पास टू इन प्लस एक्स एंड स्पीड ऑफ टू व्हीकल्स ओके तो देखिए इसके लिए हमें दो स्पीड चाहिए एक्स और वाई तो अगर हम एक स्पीड को कंस्टर करें स्टेटमेंट फर्स्ट या सेकंड में से तो अगर हम सपोज करें सेकंड स्टेटमेंट हम कंस्टर करें तो एक स्पीड हम ले लें अगर वैल्यू एक्स की जगह फोर ले लें तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से तो ये हो जाएगा सिक्स इक्वल टू टू इंटू फोर इंटू वाई डिवाइडेड बाई फोर प्लस वाई हमें क्या किया है अपिस्टिम की स्पीड की है सो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी ओके तो टू से ये कैंसिल थ्री टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज थ्री फोर जो ट्वेल्व प्लस थ्री वाई इज इक्ल टू फोर वाई सो फोर माइनस थ्री इज वन तो वाई की वैल्यू आ गई ट्वेल्व ओके वाई की वैल्यू ट्वेल्व है एक्स की वैल्यू फोर है तो यहाँ से जो हमें स्पीड चाहिए बोर्ड की वो बोर्ड की स्पीड हो जाएगी अगेन वन अपॉइट टू टाइम्स ऑफ फोर प्लस ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू एट ठीक सिमिलरली अगर हम यहाँ सपोज करें एक्स की वैल्यू को ट्वेल्व तो यहाँ से हमें अगेन वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी की वैल्यू तो दैट मीन्स हम किसी भी दो स्टेटमेंट को अगर करें तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड करके हमें आंसर मिलना था उसके बाद हम थर्ड और फर्स्ट को कंस्टिडर करेंगे तो हमें एक आंसर मिल रहा है और अगर हम थर्ड और सेकेंड को लेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा तो दैट हम किसी भी टू स्टेटमेंट को कंस्टिडर करें तो हमें ये आंसर मिल सकता है सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज इज डी दैट एनी टू ऑफ द थ्री विल गिव आंसर क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर